वदनातम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर की इम्यूनिटी को, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको सबसे आसान तरीके से बिल्ड करना है तो कौन से दो तीन स्टेप्स अगर फॉलो कर लें तो 90% से ज्यादा चांस है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी शरीर की। बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर इसके ऊपर आपको पूरे डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे। छोटे शब्दों में समझते हैं कि कैसे इम्यूनिटी को एक दो तीन स्टेप्स के अंदर हम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर पेट से संबंधित रोग नहीं होने चाहिए। अगर आपके शरीर के अंदर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट अगर आपका खराब रहता है किसी भी वजह से, दुनिया की कोई भी ताकत आपके शरीर की इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद नहीं कर सकती। तो इसीलिए बाक्षी मैक्सिमम वीडियोज बनाती है जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड देंगे, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि पेट से संबंधित समस्याओं को कैसे आपको कंट्रोल करना है। पेट को पहले ठीक कर लिया, अब शुरू होगा इम्यूनिटी बिल्डअप। केवल तीन स्टेप में अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, सुबह उठना है, रात को तांबे में बर्तन में पानी जो रखा हुआ है उसको आराम से गर्म करना है, आराम से बैठ बैठ कर उसको पीना है। तांबे के बर्तन को पानी पिएंगे क्योंकि पेट हमारा स्वस्थ है तो मोशन करके आएंगे, शरीर के पहले दिन के टॉक्सिन्स बाहर निकल गए, अब आपका शरीर तैयार है। जो भी इसमें डालोगे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरा करने में मदद करेगा, प्रोवाइडेड वो ताकतवर चीज हो। तो सबसे पहले क्या डालनी चाहिए शरीर में सुबह खाली पेट, औषधियां। औषधियों के अंदर तीन ऐसी औषधियों के नाम बताता हूं जो आजीवन भी इस्तेमाल करोगे तो नुकसान नहीं करेंगी। दुनिया की सबसे सेफ औषधियों में से एक है आंवला, गिलोय और तुलसी। जो इंसान आंवला, गिलोय और तुलसी का सेवन कर रहा है, क्या है, अगर जूसेस हैं तो एक एक ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और रोज पी लिया। अब इस पे हल्की सी सावधानी रखनी है, हल्की सी सावधानी और दिमाग का काम क्या करना है वो समझते हैं। आंवला, इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, गिलोय इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, और तुलसी इसकी भी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो अगर भयंकर गर्मी हमें पड़ रही है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, या तो प्लेन केवल आंवले का जूस पी लेंगे, या आंवले के साथ में तुलसी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, या आंवला के साथ में गिलोय थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी गर्म तासीर है, थोड़ी सी ठंडी तासीर है, मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगी और नुकसान भी नहीं करेगी। सेफ ये इतनी है कि प्रेगनेंसी तक में दी जा सकती है। हालांकि वीडियो के अंदर हम डिस्क्लेमर डालते हैं कि आप हमेशा कोई भी चीज को रिकमेंड या यूज करने से पहले अपने निजी जो डॉक्टर हैं उनका परामर्श जरूर लें। लेकिन अगर औषधीय गुणों में देखा जाए तो आंवला, गिलोय और तुलसी बहुत सेफ औषधियों में से एक आती है। तो करना क्या है, गर्मियों के अंदर आंवला और गिलोय को हमने मिक्स करा और मिक्स करने के बाद में पी लिया। बरसात का मौसम आ जाए तो क्या है, अब बाहर की गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो गई, आंवला, गिलोय और तुलसी तीनों का एक एक ढक्कन मिक्स करके आप पी सकते हैं। या फिर आप उसके अंदर आंवला और तुलसी को मिक्स करके गिलोय को और तुलसी को मिक्स करके भी आप पी सकते हैं जब सर्दियां आपके पास में आती हैं, बरसात का मौसम होता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बताना है हमें, अपने बाहर के मौसम के अनुसार अपना चुनाव करना है। अगर और कोई औषधि हमें समझ में नहीं आती, ये तीन सबसे सेफ औषधियां हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बिल्ड भी करने की मदद करेगी, बुखार हो जाता है हमें, कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उन सबसे आपको लड़ने में मदद करेगी। और आजकल कोरोना काल चला था तो उस समय पे अगर कोई इंसान इन तीनों का नियमित यूज करता होगा तो उसको बीमार पड़ने के चांसेस उतने ही कम रहते हैं। तो आंवला, तुलसी और गिलोय, इन तीनों का सेवन जो है वो नियमित रूप से कर सकते हैं। इनकी तासीर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को जितना सूट करे उसको इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए शरीर में विटामिन मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमने मैक्सिमम वीडियोस में बताया दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर या मोरिंगा का कैप्सूल, ये अपने को यूज करना है। याद रखिएगा, मोरिंगा का इस्तेमाल आधे चम्मच से ऊपर एक बारी में नहीं होना चाहिए। अगर हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं शरीर के अंदर ये कॉन्सेंट्रेट होता है, इसको हजम करना हर किसी के लिए मतलब ये नहीं कि आसान हो, तो इसीलिए शुरू में एक चौथाई चम्मच या आधे चम्मच से शुरू करना चाहिए। खाने के साथ भी ले सकते हो, खाली पेट भी ले सकते हो, लेकिन अगर इनका यूज करते हैं तो शरीर के अंदर आयरन, कैल्शियम, सभी तरह के विटामिन मिनरल्स, मैक्सिमम तरह के विटामिन मिनरल्स जो है पूरे करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो हमें उम्मीद है कि हमने एक दो तीन स्टेप्स के अंदर आपको बताया होगा कैसे अपने शरीर की इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ में ये तीन स्टेप्स भी केवल फॉलो कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपकी इम्यूनिटी को किसी की भी कोई भी रोग आपकी इम्यूनिटी को तोड़ सके इतना आसान रोगों के लिए नहीं होने वाला। आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। भारत वंदे मातरम।